अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू कीबोर्ड स्मैशर। हमजा की खिदमत में फिर से हाजिर है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स को। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स बेसिकली ये होते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर डाटा स्टोर करना होता है और वो होता है वेरिएबल्स के अंदर। सही, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, फिर उसकी थ्योरी में आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक नंबर स्टोर करना है 750। सही, ये नंबर मैंने स्टोर करना है। तो मैथ्स में तो हम इस तरह करते थे कि x इज इक्वल टू 750 कर दिया, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रामिंग में हमें एक और चीज यहाँ पर बतानी पड़ती है कि उसकी डाटा टाइप क्या है। तो यहाँ पर हमें उसको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ये इंटीजर है जिसकी डाटा टाइप है x और इसकी वैल्यू क्या है 750। तो अगर मैं यहाँ पर सी आउट लेके आता हूँ और यहाँ पर इसको एक्स कर देता हूँ और इसे यहाँ पर इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर ये मुझे वैल्यू देगा 750। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी एक डाटा टाइप आ गई, उसका यहाँ पर नेम आ गया और इसकी यहाँ पर वैल्यू आ गई। ये तीन चीजें हमें बतानी पड़ती हैं। तो सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि ये जो डाटा वेरिएबल का नेम है, इसके तीन चार कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमने मद्देनजर रखते हुए इसका नेम देना पड़ता है। सबसे पहले तो ये फ्री हैंड है, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर एक्स वाई जी ए बी सी, यानी सिंबल, सिंगल, डबल नेम कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको मैं कह देता हूँ टॉम, तो यहाँ पर भी मुझे इसका नाम टॉम देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसने 750 दोबारा मुझे दे दिया। लेकिन अगर मैंने इसके साथ जेरी लिखा, तो यहाँ पर मुझे एरर दे देगा। सही, दूसरा रूल ये है कि जो हमारा नेम होता है वेरिएबल का, उसके अंदर किसी किस्म की स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो स्पेस को खत्म करने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर मोस्टली अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन ये ज्वाइन हुए हुए हैं। क्योंकि जब प्रोग्राम इसको रीड करता हुआ नीचे आता है तो ये देखेगा कि ये एक ही है, उसको ये चीज पता लगेगी ये दो अलग अलग चीज है। तो यहाँ पर देखिए, उसने 750 दे दिया। तीसरा रूल ये है कि हम इसको प्रीडिफाइंड कोई भी वर्ड नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, प्रीडिफाइंड वर्ड, ये जिस तरह ये सारे के सारे प्रीडिफाइंड वर्ड है, यहाँ पर हम इसको किसी लाइब्रेरी का नेम नहीं दे सकते, यहाँ पर हम इसको डाटा टाइप का नाम नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगर इंट, सही, यहाँ पर भी मैं इसको लिख देता हूँ इंट। अब देखें कि इंट जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो बोल्ड हो गया। ठीक है, यानी एक ये ऐसा वर्ड है जो हमारी लाइब्रेरी के अंदर उसकी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी डिफाइंड है। तो यहाँ पर दोबारा एरर दे देगा। तो ऐसे तमाम वर्ड जो हम प्रोग्राम को, यानी एक लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करते हुए यूज किए गए हैं, हम वो भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं देखता हूँ हॉस्पिटल पॉपुलेशन। सही, ये देखें काफी लंबा वर्ड है और इसको ज्वाइन करूंगा मैं ऐसे। अच्छा, इसको ज्वाइन करने का एक और तरीका है कि मैं यहाँ पर पी जो है बड़ा कर दूंगा और एच छोटा कर दूंगा। इसको कहते हैं कैमल केस। यानी अगर दो वर्ड मैंने ज्वाइन करने हैं तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर छोटा होगा, सेकंड वर्ड का सेकंड फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा होगा। इस तरह अगर मैं कोई और भी वर्ड एंटर करता हूँ आगे, फॉर एग्जाम्पल एक्सिट लिख दिया, रैंडमली एक वर्ड लिख दिया, तो उसका भी जो है पहला लेटर मुझे बड़ा करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं पूरे को उठा के सी आउट करवा देता हूँ और यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1200। तो यहाँ पर उसने मुझे 1200 उठा के मुझे दे दिया है। अच्छा, अब बात करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने की और वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की। तो अभी यहाँ पर नेम के रूल्स और नेम हमने देख लिया, तो हम इसको सिंपल एक्स वाई जेड ही कंसिडर कर लेते हैं।
और एक्स सही। इस एग्जाम्पल को मैं कर देता हूं कमेंट। अगली एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इंट वाई की। इंट वाई, अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने इंट एक्स के साथ एक मैंने वैल्यू भी दी थी यहां पर, लेकिन मैं वैल्यू नहीं दे रहा। तो ये होती है हमारी डिक्लेरेशन, डिक्लेयर, ठीक है। और यहां पर मैं एक्स इज इक्वल टू, सॉरी वाई इज इक्वल टू 15 कर दिया। तो यहां पर मैं सी आउट कर दूंगा वाई। देखिए उसने मुझे 15 दे दिया। तो बेसिकली जब हम सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर लिखा या एक वेरिएबल का नाम लिखा और आगे उसको कोई भी वैल्यू नहीं दी, तो उसको हम कहते हैं हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, हम इसको आगे जाके कभी भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक रिजल्ट लेके आना है स्क्रीन से, जिसमें हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था मैंने एज का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करके रखा हुआ था, फिर मैंने यूजर से इनपुट लेके उसको यूज किया था, तो वो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के थ्रू हुआ था, ठीक है। जब इसकी वैल्यू हम इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि इनिशियली हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को मजीद डिटेल में देखते हैं कि हमें ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी इसको डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना और ये सारी चीजें करना। जो हमारी मेमोरी होती है वो बिट्स की शक्ल में होती है, सही, बिट्स और बाइट की शक्ल में होती है। जो हमारी मेमोरी होती है वो बॉक्सेस की शक्ल में होती है, सही। फॉर एग्जांपल मैंने जब ये इसको इनिशियलाइज करवाया, इंटीजर वाई किया जब इसको, सही, तो इसने यहां पर एक बॉक्स को सेलेक्ट कर दिया, इसने एक बॉक्स को सेलेक्ट कर दिया और उस बॉक्स का नेम रख दिया, सही। इस बॉक्स का उसने नेम रख दिया कि इस बॉक्स का नेम जो है अब वाई है। तो ये वाला जो मेरा बॉक्स है ये रिजर्व हो चुका हुआ है, किस लिए रिजर्व हो चुका है, इंट के लिए, यानी एक इंटीजर डेटा टाइप के लिए स्टोर हो चुका है जिसका नेम है वाई, ठीक है। लेकिन जब मैंने नीचे जाके इसको वाई इज इक्वल टू 15 कहा, तब जाके इसने नीचे इसके अंदर 15 की वैल्यू रखी। यानी जब तक मैं इसको वैल्यू नहीं दे रहा था तब तक ये बॉक्स एक तरह से एम्प्टी था, ओके। अब जब ये वैल्यू इसको चली गई है तो इसलिए उसने इसको यहां पर कह दिया है y इज इक्वल टू 15, और जब मैंने इसको कहा है कि सी आउट करो उसको y को, तो उसने देखा y नाम का मेरे पास कौन सा बॉक्स है और उसके अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, सही। तो ये सब चीज इस तरह काम करती है। इसी तरह जब मैंने यहाँ पर x किया था तो यहाँ पर उसने रैंडमली किसी भी बॉक्स का उसने नेम दे दिया था कि इसका नाम x है और इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 1200, सही। इसी तरह जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं तो ये होता है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू ये नहीं कि ये सेम की सेम रहेगी, ठीक है। अगर मैं क्या कहूँ कि मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं इसको अपडेट भी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर कह देता हूँ y इज इक्वल टू 1600, तो यहां पर मैं इसको दोबारा सी आउट कर देता हूँ, सी आउट और यहां पर y, और यहां पर मैं इसको लिख देता हूँ इनिशियल वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू y, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहां पर लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहां पर मैं लिख देता हूँ सेकेंड वैल्यू ऑफ y,
सही, अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। ये देखिए यहाँ पर उसने कहा इनिशियल वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 15। अच्छा एक और एंडर डाल देते हैं ताकि हमारा जो है मजीद बेहतर आ जाए। तो यहाँ पर मैं एक और एंडर डाल देता हूँ। ये देखें इनिशियल वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 15, सेकेंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा अब देखें कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट किया, फर्स्ट लाइन उसने पढ़ी है। अच्छा जी आगे जो मैंने काम करना है वो इस लाइब्रेरी के थ्रू काम करना है, सही है। सेकेंड लाइन उसने कहा अच्छा जी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज हुआ है, यानी मुझे बार बार एसटीडी डालने की भी जरूरत नहीं है। थर्ड चीज उसने पढ़ी कि ये देखें कि यहाँ पर मेरा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया। फिर उसने देखा यहाँ पर कमेंट है, इसने इस चीज़ को इग्नोर किया। यहाँ पर देखा उसने यहाँ पर भी कमेंट है, उसने इस लाइन को भी टोटल इग्नोर कर दिया। अब वो यहाँ पर आया तो उसने कहा अच्छा वाई जो है यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है, सही। फिर यहाँ पर आया तो उसने देखा अच्छा जी ये कमेंट हुआ है, उसने इसको भी इग्नोर कर दिया। यहाँ पर उसने एक मेमोरी उठा ली जिसका नाम उसने वाई रख दिया, सही। यहाँ पर उसने देखा अच्छा जी वैल्यू जो है वाई की है 15, तो यहाँ पर उसने 15 टाइप कर दिया, ठीक है। ये रैम का कोई भी ब्लॉक हो सकता है, रैम की कोई भी रैंडमली मेमोरी हो सकती है जिसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सही। यहाँ पर उसने कहा y इज इक्वल टू 15, तो उसने एक ऐसी मेमोरी जिसका नाम y था उसके अंदर 15 रख दिया, सही। यहाँ पर उसने कहा अच्छा सी आउट करना है वैल्यू ऑफ y को, तो उसने क्या किया कि उसने जो यहाँ पर वैल्यू पड़ी हुई थी 15 उसको उसने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिया, सही। जब इसने ये वाला स्टेटमेंट पढ़ा सी आउट इनिशियल वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 15, तो उसने इसके रिजल्ट के अंदर ये वाली जो लाइन थी उसको एग्जीक्यूट करवा दिया, सही। यहाँ पर वो आया उसने देखा अच्छा y की वैल्यू क्या होगी, अब 1600 हो गई है, तो इसने यहाँ से 15 को रिमूव करके यहाँ पर उसने 1600 लिख दिया, सही। अब यहां पर क्या कह रहे कि यहां पर सी आउट एंडल, सही। यहां पर उसने क्या किया एक यहां पर उसने लाइन को नीचे ले गया एंडल की वजह से, और फिर कह रहा है सेकंड वैल्यू ऑफ y, क्योंकि ये चीज सेकंड वैल्यू ऑफ y एज इट इज थी, तो उसने यहां तक उसमें एज इट इज जो है एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि डाटा बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है और यह है y, तो उसने अगेन देखा y की वैल्यू क्या है, तो जहां पर पहले 15 पड़ा हुआ था वहां पर 1600 पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर उसने 1600 को कर दिया। तो हमारा प्रोग्राम जो है ऐसे रन करता है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में क्या फर्क होता है और हमारी मेमोरी जो है वो किस तरह काम करती है। अगर आप इस लेवल के ऊपर आपको मेमोरी समझ आ गई है, इसलिए कि वीडियो डिटेल में बनाई गई है क्योंकि हम मेमोरी बाद में समझने की कोशिश करते हैं तो बाद में समझ नहीं आती। तो अगर हम मेमोरी को अभी से ग्रिप करके स्टार्ट करेंगे तो आगे जब एल्गोरिथम्स वगैरह पढ़ेंगे तो हमें मेमोरी के अंदर इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। थैंक यू, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स को।